तुम ही फैला रहे हो पोल्यूशन, गाड़ी चलाओगे तो पोल्यूशन ही फैलेगा भैया। बाकी सबसे ज़्यादा पोल्यूशन तो तुम करते हो पराली जलाकर। किसान तुम्हारे लिए मेहनत करे, तुम्हारे लिए फसल उगाए, और इसमें से बची हुई थोड़ी पराली जला ले, उसमें से भी दिक्कत हो रही है तुम्हें भाई। अरे भैया दिक्कत नहीं हो रही है हमें, लेकिन पराली का धुआं तो दिल्ली में आकर रुकता है ना, जान को तो हमारी बनती है। तो तुम सुधारो अपना सिस्टम, इसमें हम क्या करें। अरे भैया सबके सुधारने से चलेगा काम, मेरे अकेले के सुधारने से कुछ नहीं होगा। इधर मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो सारे साल इस बार एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छा देखने को मिला इंडिया का लॉकडाउन की वजह से। उस टाइम पर तो भैया लोगों ने घरों से ही हिमालय के पहाड़ों के दर्शन कर लिए थे, और गंगा भी सफाई की ओर चल पड़ी थी खुद ब खुद, जबकि नमामि गंगे और क्लीन गंगा मिशन जैसे मिशन नहीं कर पाए वो काम। तो सितंबर और अक्टूबर आते आते ऐसा क्या हुआ जो ये खबर और ब्लेम गेम हर साल की तरह फिर शुरू हो गया। वैसे तो दिल्ली का एयर क्वालिटी बाकी अदर स्टेट्स के मुताबिक खराब रहता है विदाउट एनी डाउट, लेकिन लॉकडाउन के चलते 41 से 53% तक रिडक्शन हुआ पर्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन में, जो कि भाई अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और एक रिपोर्ट का तो ये भी कहना है कि पिछले 3 सालों में सिर्फ 6% ही ऐसे दिन थे जो कि बेसिक नॉर्म्स के इक्विवेलेंट रहे। खैर वो भी सिर्फ मॉनसून के टाइम पर देखने को मिले थे, यूं थोड़ी ना अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे मिलेंगे, मॉनसून के टाइम पे थे वो सब। वैसे तो दिल्ली में पोल्यूशन हमेशा ही रहता है, लेकिन ये हाईलाइट तब होता है जब तक कि विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म ना हो जाए और एयर में टॉक्सिसिटी ना बढ़ जाए, और वो चीज़ होती है सिर्फ अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ऐसे फैक्टर्स है, क्या वजह है जिसकी वजह से ये साइकिल हर साल रिपीट होती जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर फैक्टर्स, तो यूजुअली देखा ही जाता है कि अक्टूबर के टाइम पर मॉनसून खत्म हो जाता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और विंड डायरेक्शंस भी चेंज हो जाती है, जो कि ईस्ट से आने वाली हवाएं होती है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव कर जाती हैं। तो होता उससे ये है कि जो राजस्थान में आने वाले सैंड स्टॉर्म्स हैं और कुछ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आने वाले सैंड स्टॉर्म हैं, उनकी वजह से एयर पॉल्यूट हो जाती है दिल्ली रीजन की। एंड सेकेंड इज डिप इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में गिरावट आने से इस चीज़ में दिक्कत ये आती है कि जब अक्टूबर के टाइम पर दिल्ली और आसपास के रीजन का टेम्परेचर फॉल होता है तो उससे इन्वर्जन हाइट भी कम हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि सिटी में वार्म एयर होती है जो कि हल्की होती है, तो डस्ट पार्टिकल्स को साथ में लेकर उड़ जाती है। अक्टूबर से दिसंबर के टाइम में ऐसा नहीं होता थर्मल इन्वर्जन की वजह से, आप ये फोटो में देख के इसे समझ सकते हैं। एंड थर्ड इज वेहिकुलर पोल्यूशन, इस चीज़ से 2 तरह के पोल्यूशन टारगेट होते हैं बेसिकली। पहला तो ये कि जब रोड पे गाड़ियाँ चलती है जो उनकी वजह से डस्ट उड़ती है, विच इज 56% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर 10। एंड द सेकेंड इज जब गाड़ियाँ चलती है और जो उससे फ्यूल एमिशन होता है विच इज 20% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर 2.5। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा PM10 और PM2.5 के बारे में, जिसको इस चीज़ के बारे में नहीं पता। तो PM2.5 जो पोल्यूशन होता है ये कंबशन बेस्ड पोल्यूशन होता है। इसके एग्जांपल्स में आपको बताना चाहूँ तो डीजल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस कंबशन है, ओपन वेस्ट बर्निंग पोल्यूशन है, बायोमास बर्निंग पोल्यूशन है, और कोल कंबशन है। और घर में आप देखना चाहो तो कुक स्टोव्स हैं, बॉयलर्स हैं, इनकी वजह से PM2.5 पोल्यूशन होता है। और PM10 पोल्यूशन जो होता है ये मैकेनिकल प्रोसेस से होता है पोल्यूशन। इसके एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहूँ तो जो रोड पे गाड़ियाँ उड़ती है जिनकी वजह से धूल मिट्टी उड़ती है, एक तो वो आ जाता है इसका एग्जांपल में। और इसके एग्जांपल हैं कि जब कंस्ट्रक्शन साइट पे जो धूल मिट्टी उड़ती है वो है, और जो सीजनल डस्ट स्टॉर्म होते हैं वो इसके एग्जांपल्स हैं। एंड फोर्थ इज स्टबल बर्निंग, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा बना रखा है, हर बार बनाया जाता है, जिसके ऊपर पूरी ब्लेम गेम खेली जाती है, वो है स्टबल बर्निंग। तो होता क्या है कि अक्टूबर के स्टार्ट में 3-4 हफ्तों में इनमें दिल्ली में सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, पूरा एयर क्वालिटी ख़राब होता है इस टाइम पर, क्योंकि दशहरा होता है, दिवाली होती है, व्हीकल पोल्यूशन हो गया, सब चीज़ें होती है, और ऊपर से मार पड़ती है स्टबल बर्निंग की, जो कि पूरा सोने पे सुहागा हो जाता है एकदम। तो इसमें होता यह है कि हरियाणा और पंजाब में अक्टूबर के टाइम पे धान की कटाई होती है और फसल का जो रेजिडुअल वेस्ट बच जाता है तो किसान लोग उसे जला देते हैं। उसे जला इसलिए देते हैं क्योंकि सस्ता और इजी उनको यही पड़ता है ये तरीका। और जो उसे जलने के बाद जो उसका धुआं होता है वो नॉर्थ वेस्ट पे आने वाली जो हवाएं होती है वो उसके साथ सारे दिल्ली के रीजन में आगे फैल जाता है। और अब ये कोई बड़ी बात नहीं रही, एक रिचुअल की तरह बनी है गवर्नमेंट के लिए भी और दिल्ली के लोगों के लिए भी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स को बहस करने का और ब्लेम करने का मौका मिल जाता है एक दूसरे के ऊपर, और मीडिया को TRP का एक टॉपिक मिल जाता है, और लोगों को कन्वर्जेशन के लिए एक पॉइंट ऐड हो जाता है। तो ये वीडियो पूरा एक ओवरव्यू था इस सिनेरियो के ऊपर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं मेरे को कॉमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नहीं आती तो डिसलाइक का भी ऑप्शन दे रखा है। और वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।